हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में डेली लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दिवाली की सफाई करते समय ये पांच चीजें जरूर करें घर से बाहर। दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है ताकि हमारे घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो और सुख समृद्धि बढ़े। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ साफ सफाई उचित रूप से की गई हो। अतः इस दिन सभी लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। कई बार हम दिवाली की सफाई करते समय कुछ पुरानी चीजों को दोबारा से संभाल कर रख देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन पुरानी चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो कि सकारात्मकता को कम करता है। इसलिए घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इन चीजों को घर से बाहर निकालना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन से पहले घर में किन चीजों को बाहर कर देना चाहिए। टूटा हुआ दर्पण। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर पर टूटा हुआ दर्पण अर्थात शीशा रखना एक बड़ा दोष माना जाता है और इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इसलिए दिवाली की सफाई करते समय घर पर टूटा हुआ शीशा या फिर शीशे की वह वस्तु जो टूट चुकी हो उसे तुरंत अपने घर से बाहर कर दें। खराब घड़ी। माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। खराब घड़ियां घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर घड़ी खराब या फिर सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्यों को कार्य पूर्ण करने में बाधाएं आ सकती है। इसलिए अगर घड़ी खराब हो या फिर ओने कोने से टूटी हो तो उसे घर से बाहर कर दें। घर का मेन दरवाजा। अगर घर का मेन दरवाजा टूट रहा हो तो उसे भी तुरंत ठीक करवा लें, क्योंकि घर के दरवाजे में टूट फूट शुभ नहीं मानी जाती और इसके अलावा घर के अन्य फर्नीचर भी सही होने चाहिए। वास्तु के अनुसार घर पर टूटे फूटे फर्नीचर बुरा असर डालते हैं। खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। वास्तु के अनुसार घर पर रखी खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। इसलिए दिवाली की सफाई करते समय इन्हें भी सही करवाएं। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देनी चाहिए। टूटी हुई वस्तुएं। अगर आपके घर में टूटे बर्तन, डिब्बे, खराब खिलौने, फटे कपड़े, टूटी चप्पल और बेकार अर्थात अनावश्यक की सजावटी सामग्री है तो इन्हें भी जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।